हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हर्ष केजेट। गाइस जितने भी प्रभास अन्ना सर के फैन है, सालार सीज फायर पार्ट वन के फैन है, और अगर आप प्रभास अन्ना का वेट कर रहे हैं ना, तो लिटरली थोड़ा सा रेडी हो जाओ, फुल उल तैयार रखो, क्योंकि भाई मूवी की टीम ने काफी तगड़ा अनाउंसमेंट किया है। और जिन भी लोगों को ऐसा लग रहा है ना कि मैं फेक न्यूज दे रहा हूँ, र्यूमर शेयर कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं इंडियन सिनेमा के साथ प्रभास सर के फैंस के साथ मजाक कर रहा हूँ, ट्रोल कर रहा हूँ, अफवाहें फैला रहा हूँ, तो गाइज लिटरली आज मैं काफी तगड़ा अपडेट शेयर करने वाला हूँ सालार सीज फायर पार्ट वन के फैंस के साथ। और गाइज ये जो सालार की रिलीजिंग डेट होने वाली है ना, काफी तगड़ी होने वाली है, क्योंकि काफी इंडिया की सबसे बड़ी मूवी उसके साथ क्लैश होने वाली है, जिसका जो मूवी का जो नाम है डंकी, जो कि शाहरुख खान सर की मच अवेटेड मूवी होने वाली है। और गाइज लिटरली ये मैंने नहीं सुना था, क्योंकि यार पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा था, रीशूट हो रहा था, काफी सारे काम धाम चल रहे थे, और मूवी की टीम ने नहीं भाई, जो सबसे बड़ी टीम होती है उन्होंने ये चीज रिवील कर दी है। गाइज अभी कुछ ही देर पहले जो अपने डायरेक्टर प्रशांत नील सर है ना भाई, कौन डायरेक्टर प्रशांत नील सर की जो वाइफ है, जिनका जो नाम है लखिता रेड्डी नील, हाँ, तो उन्होंने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर किया है, जहां पर उन्होंने लिखा, मैं एक बार रीड आउट करके बता दूं, कहीं ना कहीं लोगों को लगेगा कि यार मैं फिर से फेक अपडेट शेयर कर रहा हूं, तो आप लोगों को स्टोरी पर भी दिख रहा होगा। तो यहां पर उन्होंने लिखा है, दिसंबर 2023 विल नेवर बी द सेम। गाइज जैसे कि टीम ने कहा था 2023 साल नहीं सालार होने वाला है, तो बिल्कुल गाइज उन लोगों के लिए काफी बड़ा कॉम्प्लिकेशंस और काफी तगड़ा बिगेस्ट शॉकिंग न्यूज है ये। और गाइस जिन भी लोगों और उन लोगों को ले आओ यार जरा, वो जो नहीं बोलते थे कि यार प्रभास सर जवान मूवी से डर गए, शाहरुख खान से डर गए, तो गाइस इस बार अगर क्लैश हुआ ना, तो डंकी को भाई डोंकी नहीं बना दिया ना, तो भाई सालार का नाम बदल देना, यानी कि प्रभास सर का नाम बदल देना, क्योंकि इंडियन सिनेमा सालार सीज फायर पार्ट वन पे अपना दिल और निगाहें ऐसे टिका कर बैठी है, जैसे भाई एडवांस बुकिंग स्टार्ट होगी ना भाई, धन्य से घुस जाएंगे लाइन में। और भाई अब तो देखना यह है कि भाई कौन कितना बड़ा, किसके कितना बड़ा स्टारडम होने वाला है, प्रभास सर का या वन एंड ओनली शाहरुख खान सर का, वो तो समय के साथ साथ पता चल ही जाएगा। और लिटरली गाइस जो भी होने वाला है बाप लेवल पे होने वाला, और ऐसा होगा जो कि किसी ने भी नहीं देखा ना सुना और ना ही सोचा। बाकी गाइस आप लोग हमें बताएं प्रभास अन्ना सर की सालार सीज फायर पार्ट वन के लिए आप कितने ज्यादा एक्साइटेड है, और आपके क्या ओपिनियन है इसकी ऑफिशियल रिलीजिंग डेट के बारे में, डंकी के साथ क्लैश के बारे में, और इस स्टोरी के बारे में अपने ओपिनियन भाई कमेंट सेक्शन में ड्रॉप जरूर कीजिएगा। वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा, शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे कि आपका भाई इंस्पायर्ड और मोटिवेट होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।